क्या सोच के अम्मी के साथ मिसबिहेव किया तुमने? मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया अरसन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको किसने कहा कि मैंने मिसबिहेव किया? पप्पू और भाभी का ये रवैया देखकर मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी अपने घर में। परेशानी लगी रहेगी आपको लेकर। अरे बेटा कैसी परेशानी, ये सब कुछ तो चलता रहता है, हर घर की यही कहानी है। मामा होगी हर घर की कहानी, लेकिन जब तक मेरे बाबा जिंदा थे ना, इस घर में आपसे ऐसे कोई बात नहीं करता था। पहले तो चलो समझ आता था, भाभी मुझे कुछ ना कुछ आए दिन कह ही देती थी, लेकिन आपसे कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं की। मुझे लगता है आपको भी वजह से कर रही हूँ ये सब। बेटा वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान, रवैये, सब कुछ। बस तुम अपने घर में खुश रहो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें कर रही है मामा, आपको सीरियसली लगता है मैं आपको ऐसी हालत में देखकर खुश रह सकती हूँ अपने घर? बीजान तुम अपने घर में खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। क्या सोच के अम्मी के साथ मिसबिहेव किया तुमने? मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया अरसन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको किसने कहा कि मैंने मिसबिहेव किया? गलत फहमी नहीं हुई, अपने कानों से रूमी और अम्मी की बातें सुनकर आया हूं। मेरी माँ ने आज तक तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, रूमी को यही समझा रही थी वो। देखो अम्मा, मेरी माँ की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, बेहतर यही होगा कि तुम समझ जाओ। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं अरसल, मैंने कहा ना आपको गलत फहमी हुई। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जब से फुप्पो यहाँ आई है ना, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया, तो अपने बदले हुए मूड को अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ और बहन तुम्हारी वजह से परेशान, और मैं ये भी नहीं चाहता कि रूमी जब अपने ससुराल वापस जाए तो वो अपनी माँ की वजह से परेशान हो। समझ रहे हो? जी। गुड। और अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ देखा ना, तो मुझे मजबूरन फूफो के यहाँ आने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। पर मैं ये कह नहीं रहा, मैं करके दिखाऊंगा। I'm sorry. शोनी की बच्ची खुद तो सुकून से रह रही है ससुराल में, और मेरा यहाँ पे आके सुकून बर्बाद कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।